कभी-कभी बच्चों का मन करता है स्पेशल पिज्जा खाने का और हमारे पास समय नहीं होता है, तो इंस्टेंटली हम पिज्जा बना सकते हैं बच्चों के लिए, स्पेशल ब्रेड पिज्जा। और बहुत सारे वेजिटेबल हम यूज करने वाले हैं, ओवरलोडेड वेजिटेबल्स होंगे और साथ में होगा मोजरेला चीज। पिज्जा का मजा ब्रेड के साथ बनाते हैं ये अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी बन जाता है, क्विकली बन जाता है, जैसे ही बच्चों की डिमांड हो आप तुरंत बना सकते हैं ये यमी टेस्टी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा। ओवरलोडेड वेजिटेबल्स एंड मोजरेला चीज, ऑफ कोर्स बहुत टेस्टी बनता है ये पिज्जा, और इतना टेस्टी बनता है कि डेफिनेटली आपको ये पिज्जा तो पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से ये यमी टेस्टी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा, और बहुत बड़ी साइज में बनाएंगे हम ब्रेड पिज्जा जो कि बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। तो चले नोट कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट, टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाइएगा ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा, इंस्टेंट पिज्जा, यमी पिज्जा। तो आप कभी भी पिज्जा खाने का मन करे तो पिज्जा हट जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही बनाइए यमी टेस्टी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा, बहुत जल्दी बन जाता है और देखिए कितना टेस्टी बनता है, बहुत ही यमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज, तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। पहले यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हैं स्टफिंग की। यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न लिया है, उसको इस तरह से पील कर लिया। तो 1 कप हम ले रहे हैं स्वीट कॉर्न, बिल्कुल सॉफ्ट वाला लीजिएगा, मीठा होता है और बहुत टेस्टी होता है। 1 हम लेंगे कैरेट यानी गाजर, इसको छील लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे डाइसेस कर लेंगे। देखिए ठीक इस तरह से 1 कप हम ले रहे हैं गाजर यानी कैरेट, तो ये भी हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, छोटे छोटे पीसेस किए हैं। यहाँ पे 1/2 कप हम ले रहे हैं ग्रीन वेल पेपर, तो 1 वेल पेपर यानी 1 शिमला मिर्च से हो जाता है तैयार 1/2 कप। और यहाँ हम ले रहे हैं 200 ग्राम पनीर, इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, बिल्कुल स्मॉल पीसेस। देखिए इस तरह से आपको दिखा देते हैं, तो ये 1 कप से थोड़ा ज्यादा यानी 1.5 कप है तकरीबन, 200 ग्राम हमने लिया है पनीर, छोटे छोटे पीसेस में कट किए सभी वेजिटेबल्स। चलिए आप बड़े बाउल में ऐड कर लेते हैं पनीर, छोटे छोटे पीसेस में आप देख सकते हैं, ऐड कर देंगे कैरेट इन गाजर। ये बहुत ही हेल्दी स्टफिंग है, ऐड कर देंगे ग्रीन वेल पेपर यानी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न। आप इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे वेजिटेबल्स को, आप अपने मनपसंद और भी वेजिटेबल ले सकते हैं, रेड और येलो वेल पेपर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे बहुत कलरफुल हो चुका है, बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत पसंद आती है, तो स्पेशली बच्चों के लिए है, बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगा। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, ऐड कर देंगे चिली फ्लेक 1 टीस्पून, ऐड कर देंगे ड्राई बेजिल 1 टीस्पून, ऐड कर देंगे ड्राई ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ऐड कर देंगे ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून यानी काला नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को,
स्पेशल टेस्ट होता है वेजल का, ओरिगेनो का, और हर्ब्स हमने ऐड किया है, स्पाइसेस ऐड किए हैं। ऐड कर देंगे हाफ लेमन का जूस यानी आधा नींबू का रस, इससे एक टैंगीनेस आता है इसमें जो कि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। तो आधा लेमन का जूस हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, अच्छे से सारा ऐड कर दें। अब इसमें हम कलर के लिए ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, एक अच्छा कलर भी आ जाता है इसमें, तीखापन नहीं होता। तीखेपन के लिए हमने ब्लैक पेपर यूज किया है, चिली फ्लेक भी है तो उससे काफी तीखापन आ जाता है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग हमारा रेडी है। ये स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग है, इससे बहुत सारी रेसिपीज आप बना सकते हैं। आप इसे सैंडविच बना सकते हैं, आप इसे पिज्जा बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है, समोसे बना सकते हैं, बहुत कुछ। तो देखिए स्टफिंग हमारी रेडी है। तो यहाँ पर हमने ट्रे ले लिया है, बना लेते हैं पिज्जा। तो इस ट्रे में हमने बटर पेपर लगा लिया और इस तरह से देखिए ब्रेड स्लाइस को हम अरेंज कर देंगे। हम जो ट्रे है उसमें फुल साइज का बना रहे हैं पिज्जा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे स्लाइसेस को अरेंज कर देंगे। देखिए ठीक इस तरह से अरेंज करें ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। देखिए पूरा अरेंज करना है हमको। अब ये देखिए साइड्स बचे हैं ना, इन साइड्स में भी हम कट करके अरेंज कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये पूरा पिज्जा बनकर रेडी होगा, यानी ट्रे साइज में हम बना रहे बड़ा सा पिज्जा और खूब उठाने वाले इनका आनंद। तो देखिए ये सब कवर कर दिया हमने इस तरह से, ब्रेड स्लाइस से अच्छे से कवर कर दिया है। अब हमें इस पे लगाना है पिज्जा सॉस। तो पिज्जा सॉस अभी उसमें लहसुन होता है और ऑनियन भी यूज किया जाता है, तो हम अभी पिज्जा सॉस यूज नहीं करने वाले, हम यूज करेंगे टोमेटो सॉस और चिली सॉस का मिक्सचर, क्योंकि सावन का महीना है। तो यदि आपको लहसुन और ऑनियन नहीं खाना है तो विदाउट ऑनियन गार्लिक आप बना सकते हैं। तो जो सॉस है टोमेटो सॉस, उसमें चिली सॉस ऐड कर लीजिए और थोड़े से ऐड कर दीजिए उसमें चिली फ्लेक और सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस बन गया पिज्जा सॉस। और अब इसके ऊपर मोजरेला चीज खूब सारा, देखिए सॉस अच्छे से लगा दिया, साइड्स को छोड़ दिया, थोड़े थोड़े सब तरफ से साइड्स को छोड़ा है, और अब अच्छे से मोजरेला चीज फैला देंगे इस पे। मोजरेला चीज फैलाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, तभी आपको पिज्जा का आनंद आएगा जब आप चीज अच्छे से ऐड करेंगे। तो खूब सारा चीज हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, देखिए अच्छे से चीज हमने खूब सारा ऐड कर दिया है। और अब हमने जो स्टफिंग बनाया है वेजिटेबल का, मिक्स वेजिटेबल का, उसको ऐड करना है। हम यहाँ पे ओरिगेनो पिज्जा हर्ब यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें गार्लिक होता है। हम यहाँ पे गार्लिक छोड़कर हमने जो बनाया है स्टफिंग के साथ में, उसमें सारे मसाले हैं, गार्लिक छोड़कर सब कुछ है, तो उसको ऐड कर देते हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी बहुत अच्छे से फैलाएंगे, स्टफिंग में भी कंजूसी नहीं करना है, स्टफिंग अच्छे से देना है, तभी तो आनंद आएगा पिज्जा का। तो ओवरलोडेड है ये वेजिटेबल, पनीर और चीज। तो देखिए अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप। अब इसमें कुछ भी स्प्रिंकल करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ हमने स्टफिंग में ऐड किया है, बस ऊपर से मोजरेला चीज थोड़ा सा और स्प्रिंकल करेंगे। तो चीज में कहीं भी कंजूसी नहीं करनी है। हमारा ब्रेड पिज्जा बेक होने के लिए रेडी है। ओटीजी को हमने 180 डिग्री 10 मिनट प्री हीट पे रखा है। ओटीजी जैसे ही प्री हीट होगा हम अपने ब्रेड पिज्जा को बेक कर लेंगे। तो देखिए पिज्जा बेक होने के लिए रेडी है और ओटीजी हमारा प्री हीट हो रहा है, बहुत अच्छे से बना है। ये देखिए बहुत क्लोज से हम आपको दिखा रहे हैं कितना अमेजिंग है और बहुत कम वक्त लगता है इसको बनाने में। देखिए हमारा ओटीजी अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो हम इसमें पिज्जा ट्रे को रख देते हैं, मिडिल रैक पे रखेंगे, मिडिल रैक पे रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। 180 डिग्री 15 मिनट हमने बेक किया है, 15 to 20 मिनट बेक करना है आपको। देखिए 15 मिनट में ही कंप्लीट हो गया 180 डिग्री,
15 मिनट में हमारा पिज्जा बन के रेडी है। बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी, डिलीशियस, बहुत गर्म है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छे से बना है। तो अब हम इसको कट करके आपको बताएंगे कि कितना अमेजिंग है ये पिज्जा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है, और जल्दी बन जाता है। आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, आधे घंटे में आपका पिज्जा रेडी हो जाता है। इतना अमेजिंग पिज्जा है ये, और अपनी पार्टी में आप जरूर इसको रख सकते हैं। स्पेशली बच्चों की पार्टी हो, आपकी किटी पार्टी हो, तो आप जरूर इस पिज्जा को रख सकते हैं। एक एक स्लाइस करके भी आप बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ा सा पिज्जा बनाया है, एक साथ बनाया है, देखिए बहुत यमी है। तो इसको कट कर लेते हैं पिज्जा कटर से, और आप देखेंगे कितना अमेजिंग है ये पिज्जा, बहुत ही टेस्टी। तो आप जब भी पिज्जा खाने का मन करे बच्चों को, तो जल्दी से बना दीजिएगा ये अमेजिंग, टेस्टी, डिलीशियस पिज्जा, इंस्टेंट पिज्जा, ब्रेड पिज्जा। और वेजिटेबल्स आपको जो पसंद है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने बहुत सारे वेजिटेबल यूज किए हैं जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस ब्रेड पिज्जा, बहुत ही यम्मी, बहुत ही यम्मी। तो इसको हम प्लेट कर देते हैं, गर्मा गर्म सॉस के साथ दीजिएगा, डिप के साथ दीजिएगा, या यूं ही दे दीजिएगा क्योंकि इसमें सब कुछ है और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए तैयार है हमारा यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस, ओवरलोडेड वेजिटेबल के साथ में पिज्जा, ब्रेड पिज्जा, स्पेशल पिज्जा। बनाइए और आनंद उठाइए अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सबको खिलाइए और खुद भी खाइए। देखिए कितना अमेजिंग है, कितना टेस्टी है, हम आपको बताते हैं, देखिए वाओ। तो चलिए आप सोचिए मत, बना ही लीजिए ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा, यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस है। तो ब्रेड जब भी आप यूज करें स्लाइसेस में, साइड्स कट कर दें और तब आप पिज्जा में बनाएं, पिज्जा में यूज करें। तो हमने ब्रेड के पीसेस को अलग से साइड्स कट करके यूज किया है, और ये देखिए कितना अमेजिंग बना है ब्रेड पिज्जा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है ये ब्रेड पिज्जा। देखिए ओवरलोडेड वेजिटेबल है और बहुत जल्दी बनता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको बेक होने में, सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं, और ये टेस्टी डिलीशियस पिज्जा बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और यमी है ये, और बहुत ही यमी है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कितना यमी है, और चीज देखिएगा, ओ माय गॉड, बहुत ही चीजी है ये, बहुत टेस्टी। देखिए क्लोज से हम आपको दिखा रहे हैं, है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए जल्दी से बना लीजिए ये टेस्टी डिलीशियस पिज्जा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं, चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन और कृष्णा के साथ, और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा, फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चले बनाते हैं और नए प्रोग्राम, और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज, और जगाते रहे स्वाद का जादू।